please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल 2018 और दिन है शुक्रवार। 13 तारीख का कॉम्बिनेशन बड़ा ही खतरनाक होता है। 13 तारीख का खौफ कुछ ऐसा है कि अस्पतालों में 13 नंबर का बेड नहीं होता और बिल्डिंगों में ज़्यादातर 13 नंबर के फ्लोर नहीं होते, क्योंकि लोग 13 नंबर पर रहना नहीं चाहते। डरिए नहीं, लेकिन मैं आपको कोई खौफनाक कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा जेपी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। आज मैं आपसे बात करूंगा जेपी के बारे में। जेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही हैं। जेपी ने हालिया में सुप्रीम कोर्ट में 100 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पैसे जमा करवाने हैं। जेपी की जो कंपनियां हैं, जेपी की साथी कंपनियों ने अब तक 650 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। 100 करोड़ भी कल जमा करवाए हैं। लेकिन जेपी का ये कहना है कि जितने भी उसके खरीदार हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 8% ऐसे हैं जिन्हें पैसे चाहिए। 8% ऐसे हैं जिन्हें अपना घर नहीं चाहिए, उन्हें घर के बदले पैसे चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको अपना घर चाहिए। और जेपी ने तर्क रखा सुप्रीम कोर्ट में कि उसे 2000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है नोएडा में उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा करने के लिए। जेपी एसोसिएट्स की ही कंपनी जेपी इंफ्राटेक नोएडा के अंदर कंस्ट्रक्शन का सारा काम संभाल रही थी, जो इसके यहाँ फ्लैट्स बन रहे थे। लेकिन इनके साथ गड़बड़ी ये हो गई कि जेपी इंफ्राटेक कर्जे के बोझ में दब गई और इसके बाद दिवालिया के लिए इसका केस भी मंजूर हो गया, तो घर खरीदारों के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन जेपी कह रहा है कि वो 2020 तक सारे फ्लैट्स को कंप्लीट कर लेगा, जिसके लिए उसे 8000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब 8000 करोड़ में से 6000 करोड़ तो उसे घर खरीदारों से मिल रहे हैं, बच गए 2000 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं ये अब उसे कर्ज के तौर पर चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कर्ज उसे कहाँ से मिलेगा। ये कर्ज उसे और भी कंपनियां दे सकती हैं, साथ में दो कंपनियां हैं जो उनकी मदद करना चाहती हैं। दीपक मिश्रा की बेंच ये फैसला करेगी कि ये कौन करेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया, मेरे यानी राकेश सिंह के साथ कैमरा पर्सन शुभी गोयल।